अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरे प्यार इसी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का, खैरियत से हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस आज जुमे मुबारक दिन है, आप लोग को सबसे पहले तो जुमा मुबारक है रमजान शरीफ का। और अब बस अब हमारे गैस है नहीं, मैं आई हूँ तो आज इमरान घर पर थे, नहीं गए शॉप पर, तो वो वेट कर रहे हैं गैस आए तो नहाएँ तो जुमा पढ़ने जाएँ। अभी तक हमारे गैस ही नहीं आई, 2 बजे आती है, बस आने वाली होगी। तो अंसब भी बस रेडी है जुमा पढ़ने के लिए, और हम लोग भी जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर आज मैं चने भगो के गई थी सुबह को सहरे के टाइम, तो आज मुझे मैंने चना चाट बनानी है। थोड़ी हमारी चना चाट डिफरेंट है, तो और मैं 2 तरह की आज बनाऊँगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ। अशस खेल रहा है और आज खेल रही है। तो जी अब मैं आपको बाद में अभी नमाज़ पढ़ के दोबारा आपसे मिलती हूँ, तो फिर आपको मैं अपनी जो हमारी चना चाट की रेसिपीज़ है वो आपसे शेयर करती हूँ। कहाँ फेंकी है बॉल, आप ही के पास गई नहीं है, आप ही सही फेंकती है बेटा, आपसे कैच नहीं हो रही, ऊपर ही करो ना भाई रहने। अच्छा चलो उठा लो उठा लो उठा लो, इसकी अपनी मर्जी है, इसका अपना ही मूड है। अरे नमाज पढ़ने लगी हो अभी, नहीं ठहर जाओ अभी, आप भी पढ़ोगे अच्छे से नमाज, पढ़ोगे नमाज। मम्मा मम्मा छत पढ़ना, ठीक ठीक। सब जुमा पढ़ने जा रहे हो, बुक लेके क्या? हाँ अच्छा, ट्यूशन का टाइम है, जुमे का टाइम, वो सर जुमा नहीं पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते हैं, मेरे पे जुमा आता है, सुबह पास ही मिल गया। अच्छा सर भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ने जा रहे हो? इनको ट्यूशन का टाइम सही रखना चाहिए ना, कम अज कम जुमे का टाइम तो ना हो। चलो ठीक है, जाओ दरवाजा खोलो, फ्रंट गेट खोलो, जाओ। ये शख्स का तो ना रोने ही रहता है 24 घंटे के पीछे। फ्रेंड बॉल दे दो, छोटी बनती हो बच्ची, बॉल दे दो उसको। अब हम बनाने लगे हैं चना चाट, ये नया केचप है ना, इसलिए अब खोला है कि चना चाट है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट बनाने लगी हूँ, मैंने रेसिपी देखी थी। चलिए ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा सा केचप डालेंगे और दूसरा इसमें चिली गार्लिक केचप थोड़ा डालेंगे। और इसमें डालना है नींबू, लेमन डालने तो ज़्यादा थे लेकिन हमारे पास है ही नहीं, ये भी हमने मांग के लिए एक बीच चले गए। इस वक्त के घर से मैंने मंगा है तो उसके घर से एक ही मिला है, मैंने कहा चलो वो डाल लेते हैं, बीज ना इसके जाए, बीज चले गए हैं, मैं इसको निकाल देती हूँ। लेमन डाल दिया, अब इसमें जो है ना थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, नमक इसको मिक्स कर लेंगे, नमक में बाद में डालती हूँ, दूर पड़ा हुआ है, नमक डालना है लेकिन थोड़ा सा। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालना है कि ये जो है ना थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए, चने इसमें जो है ना अच्छे से ग्रेवी बन जाए, डिप हो जाए। अब इसमें डालेंगे चने, चने मैंने इकट्ठे बॉयल कर लिए हैं, थोड़ी सी दूसरी रेसिपी में भी डाल लें, थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं। ये चने डालें और ये इसमें आलू डाल देना है, और ये मैंने प्याज भी इकट्ठे ना टमाटर काट लिए, टमाटर भी थोड़े से इसमें डालेंगे, और ये प्याज है, प्याजों को भी ना लेमन लगा के रखना है थोड़ी देर, तो इसमें लेमन डाल दिया मैंने प्याजों में। अब इसको ये बन गई चाट, इसको ना बना के आधा घंटा रख देंगे ताकि जो सारा जो इसमें है ना ग्रेवी इसका टेस्ट केचप का वो सारा इसके अंदर आ जाए। इसमें कोई दही नहीं जाएगा, कोई इसमें नहीं जाएगा सिरका वगैरह, इमली नहीं जाएगी, बस यही इसका टेस्ट है, चेक कर लीजिएगा। अब इसको मैं आधा घंटा फ्रिज में रख देती हूँ, इसको ना दूसरी डिश में फिर कर देंगे। अब इसमें धनिया भी डालना है, धनिया मैं भूल गई थी, मैंने कहा आपको बताऊँ, ताकि धनिया पुदीना भी अगर हो तो, लेकिन पुदीना हमारे है नहीं तो इसलिए हम धनिया से काम चलाएंगे।
देखे कितनी प्यारी धनी ऐसी बिल्कुल जबरदस्त लग रही है। अब मैं सर्विंग बाउल में डाल के ही रखती हूँ ताकि फिर जल्दी जल्दी दूसरी भी मैं बना लूँ, तो फिर रोजे का टाइम हो जाएगा। और हुरैन सो रही है, अंसर भी सो रहा है, अपने क्या हुआ इनको, आज कैमरा मैन हमारा चेंज है, आज हुरैन के बाबा हैं कैमरा मैन, तो वो दोनों सो रहे हैं, वो एंड टाइम उठेंगे, मैं ये रख लूँ बना के। ये दही मेरे घर का जमाया हुआ है, ये डालते हैं, सारा डालू कम करो, चलो बाकी देखते हैं बाद में, अगर ज़रूरत हुई तो इसमें और डाल लेंगे। ये दही वाली चाट है, जिसमें दही पले होते हैं ना, ये पंजाब साइड में इसको दही पले इस तरह के होते हैं, हम लोग चना चाट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इडली जो है ना मेरे घर वालों को तो रात नहीं आती, इसलिए ये डाला। और इसमें जी चने डाल देंगे, इसमें आलू डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, वैसे खीरे भी पड़े हैं, खीरे भी डाल देना कि नहीं? नहीं छोड़ ना, खीरे ना डाल, खीरे नहीं अच्छे लगते, नहीं वो नहीं अच्छे, शरबत नहीं तो डाल देंगे, उसमें डाल दिया आप नहीं डालेंगे, मैं नहीं डालूँ, थोड़ा सही है कई लोग डाल लेते हैं, चलो सही है जी ये डाल दिया। और वो नहीं है कोई, फिर चले ये जो है ना ये मिर्चे चेक कर लेंगे बाद में, मुझे लगता है कि चाट मसाला जो है ना वो कम होगा, शुक्र है मैंने दही बचा लिया, अब सही लग रहे हैं ना ये नहीं? सही है दही बचा लिया, अच्छा किया, दही यही बहुत हो जाएगा, ज्यादा हो जाना था ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने चने जो है ना वो दो रेसिपी कर ली ना, इसलिए चने कम हो गए, आलू भी कम हो गए, हर चीज कम हो, प्याज कम नहीं होने चाहिए, प्याज कम है, प्याज तो मैंने डाली नहीं प्याज घूम गया क्या, खा गया क्या, नहीं खा गया क्या प्याज मैंने कहा ये बेरोना क्यों लग रही है अच्छा क्या ये देखे प्याज हमारी, बस देखा फुल मैंने इसको प्याज डाली ही, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, चेक कर लेंगे अगर किसी का भी घर में रोजा ना हो तो नमक मिर्च या चाट मसाला तो डाल लें। अब इसको मैंने इसलिए इस दिल्ली में बनाया कि ज़्यादा थी ना मेरे पास इतना बड़ा कोई बॉल ही नहीं था, तो मैंने कहा कि चलिए इसको ना अब इसमें बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं किसी दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर लूँगी, फिर आपसे अब परेशानी बनाएं शरबत वगैरह बनाएं, तो फिर रोज़ा खोलते वक्त आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा। ये थोड़ा सा ना पड़ा हुआ था मिक्सचर, तो मैंने कहा कि मैं ना अनसब के लिए बना दूँ, अनसब चाट जो है ना कम ही खाता है, पता नहीं खाए यहाँ ना खाए, तो चलो उसको मैं ये कटलेस बना देती हूँ, ये पड़े हुए थे ना सामान, हमारे घर हो गया कम हुआ लग रहा है, नहीं हुआ अभी, बस टाइम होने वाला है इफ्तारी का, थोड़े टाइम रह गया है, पानी शानी का काम आधा कर लिया, आधा रहता है, तो अब हुरैन को और अंशब को उठाया है हमने, आज सारा काम मैंने करवाया था सारा काम हुरैन में उठी है, तो इसके बाबा कह रहे हैं कि हुरैन आप सो रही थी ना, सारा काम मैंने किया है, तो मैं थक गया हूँ, थक नहीं गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, जैसे अरशद कहता बहुत थक गया हूँ, वैसे हुरैन माशाल्लाह काफी काम करवाती है मेरे से, है तो थोड़े से, मैंने कहा जल्दी जल्दी इन सब के लिए बना लेती हूँ, चना चाट जो हम दोनों को तो हमें सबको पसंद है, हम सबको कुछ मुझे लगता है थोड़ी सी नहीं पसंद, कम पसंद है, ये उसको बड़े पसंद है, इसमें अंदर लगी हो ना ब्रेड क्रम्स, रोल हो कटलस हो कुछ भी हो, ब्रेड क्रम्स हो तो वो उसको बड़ी पसंद है चीज़। अब मैं सारे फ्राई करके इसको भी डिश आउट करती हूँ, तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ऑरेंज ख़त्म हो गए हैं आज, बस दो ही बचे हैं, खाती मैं ही हूँ, पानी ये तीनों बनते हैं टैंग, ऑरेंज वाला, मैंगो वाला और रूह अफ़ज़ा, बस कोई किसी ने पीना है, और ये सारे तक पीते हैं, कहते हैं मम्मा ज़्यादा बनाया करो, जो है ना हम रात को जब भी प्यास लगती है सादा पानी नहीं पीना इन्होंने, यही पीना है। ये आए हैं सरवत के घर से प्याजों वाले पकौड़े और आलू वाले पकौड़े, और ये रायता भी वहाँ से आया है, ये दो तरह की चाट मैंने बनाई है, इसके ऊपर मैंने मिर्चें रख दी हैं, अब जो पहले डालेगा उससे मिर्ची भी खानी है, सब मैं खा लूंगा, बाकी रेड आप खा लेना, ना बाबा ना, ये पहली बार मैंने बनाई है, देखें आजो अनसब हुरैन अशज सब आजो, आजो वजू करके आजो, चलो दुआ मांगो पहले बैठो, जैसे आ रही हो रही है।